वेलकम टू एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में फिल्म बेटिका का वन शॉट वीडियो बनाएंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट कर दूंगी और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग शॉर्ट वीडियो तो देखे होंगे और नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर्ड है और ज़्यादा ज़्यादा टाइम का नहीं है। मैं बहुत फास्ट स्पीड में बोली हुई हूँ उसमें, ताकि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है? तो उसको एक बार देख लीजिएगा, एक एक दो दो मिनट का ही वीडियो होगा और इसमें वन शॉट वीडियो बनाऊँगी, इसमें भी सारे पॉइंट्स मैं कवर कर दूँगी, ठीक है? तो देखिए, भीम बेटिका की जो गुफा थी उसकी खोज विष्णु वांकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विष्णु वांकर के द्वारा। 1957 से 1958 के बीच में किया गया था, डॉक्टर विष्णु वांकर के द्वारा भीम बेटिका की खोज। देखिए, अब भीम बेटिका जो है ये वर्ड भीम वाटिका से लिया गया है। भीम वाटिका का क्या अर्थ होता है? तो भीम जो थे वो पांडव के सबसे बड़े भाई हैं, और वाटिका मतलब उस सुंदर जगह जहाँ पे वो रहते थे, तो जहाँ भीम रहते थे उसको भीम वाटिका को बोला जाता है। तो ये माना जाता है ना कि जब पांडव को उनके देश से निकाल दिया गया था, वैनिश कर दिया गया था, तो लोग इसी गुफा में आके रहते थे, और इसलिए उसका नाम भीम वाटिका है, तो भीम बेटिका बोलते हैं, ठीक है? वर्ड भीम बेटिका ड्राइव फ्रॉम द वर्ड भीम वाटिका, ठीक है? तो ये माना जाता है ना कि जो भी मतलब वो गुफा है, जिस जंगल में वो गुफा है, उस गुफा के आसपास जो गांव है उससे ये माना बोला जाता है, वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे पहले पांडव लोग आए थे, रहे थे, ठीक है? तो इसका प्रमाण वो लोग देते हैं। उस गांव का नाम है पांडवपुर, ठीक है? पांडवपुर नाम नोट करिएगा। तो ये जो भीम वेटिका है ना, बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल वहाँ का इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, और वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट लोग का तो मतलब वो फेवरेट जगह है, मतलब वहाँ पे वो लोग जाना ही चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या ये इतना मतलब स्पेशल है जो वहाँ पे जाना चाहते हैं? तो देखिए, भीम बेटिका में बहुत सारी पेंटिंग मिली है, बहुत सारी पेंटिंग, ठीक है? जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया एंड एलिफेंट राइडिंग हो गया, बिसोन उस टाइम का एक जानवर, राइनासोरस एंड विजार्ड एंड बहुत सारे पेंटिंग, जैसे कि डांसिंग का, मान लो कि जो होनी जो कलेक्ट कर रहे उस टाइप का, या फिर अलग अलग मार्क्स, अलग अलग सिंबल्स, ये सब की पेंटिंग्स जो है वहाँ पे मिली थी। और पेंटिंग की क्या खास बात थी कि वो पेंटिंग मतलब अभी देखने से लगता है बिल्कुल नया, बिल्कुल 100% प्रोटेक्ट, ख़राब ही नहीं हुई है। क्यों नहीं ख़राब हुई अभी हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि क्यों नहीं ख़राब हुई, मतलब अभी जैसी की हुई थी वैसे की वैसी ही है। एक तो है कि नेचुरल फिनोमेना से उसको ख़राब होना चाहिए, जैसे धूप, बारिश, पानी वगैरह आते रहता है तो इससे मतलब डैमेज होना चाहिए, बट नहीं है डैमेज, क्योंकि वो प्रोटेक्ट है, क्योंकि पहली बात तो गुफा के अंदर है। तो और भी बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है, बहुत बड़े मतलब ट्रीज है, ब्रांचेज है, उससे वो प्रोटेक्ट है। और मतलब वो पेंटिंग बनाई किससे जाती है? देखिए, उस टाइम वो जो पेंटिंग प्रोटेक्ट है उसका सबसे मेन रीज़न क्या है कि उस पेंटिंग को बनाने में यूज़ किया गया मटेरियल क्या यूज़ किया गया था, सोचिए। तो पेंटिंग में यूज़ किया गया था रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है? तो ये मान जाता है ना कि जो लोग पेंट बनाते थे, ये पेंट्स को रॉक्स या मिनरल्स का जो भी था, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसका जो पाउडर फॉर्म में करके और उसको बनाते थे। जैसे कि वो लोग रेड कलर और वाइट कलर उनका फेवरेट था, तो रेड कलर वो लोग हेमेटाइट से लेते थे। जैसे गेरू, गेरू वाला आप लोग सुनने होंगे कि जो गेरू होता है ना, क्या होता है, घर को गांव में कच्चे जो घर होते हैं उसको सजाने के लिए यूज़ किया जाता है गेरू का, तो हेमेटाइट होता है, तो उसका यूज़ किया जाता था भीम बेटिका की गुफा में। रेड कलर का यूज़ के लिए गेरू का यूज़ किया जाता था, याद रहेगा कि रेड कलर फ्रॉम हेमेटाइट, और वाइट और रेड उनका फेवरेट था और इजीली अवेलेबल भी हो जाता था, ठीक है? तो लाइमस्टोन जो है ना, लाइमस्टोन से लोग वाइट कलर बनाते थे, और भी जो हल्का ग्रीन हो गया या फिर पिंक हो गया, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स है जिससे वो लोग मतलब उस टाइम रॉक्स और मिनरल बता सकते हैं, ठीक है? तो अभी ना हमें मालूम चलिए कि वो कम्प्लेक्स है, उसमें क्या है उसके अंदर। तो जो रॉक्स के अंदर एक रॉक को डालते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसके वजह से वो अभी तक वो जो पेंटिंग है स्टेबल है, मतलब अभी तक वो पेंटिंग जो है सो प्रोटेक्टेड है, ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन हो गया है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन।
तो हम लोग ये देख चुके हैं कि थीम क्या थी, डांसिंग कलेक्शन ऑफ हॉनीबीज एंड टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे मंकी, राइनासोरस, पिसॉन्स, टाइगर्स, पिकॉक्स और बहुत सारे यूज़ किए जाते थे। कलर्स वो लोग कैसे बनाते थे हम लोग देख लिए हैं कि कैसे वो लोग रॉक्स को ग्राइंड करते थे, ठीक है, से मिनरल्स को ग्राइंड करके पाउडर कर दिए। और गम के लिए वो लोग क्या यूज़ किया करते थे, जो एनिमल फैट्स हो गया उसका यूज़ किया करते थे। फिर पेड़ पौधों को मतलब काटते हैं हम लोग तो कैसे गम निकलते रहता है, तो वो जो गम होता है ना उसका भी यूज़ किया करते थे उस पाउडर को चिपचिपा बनाने के लिए। अब चिपचिपा बन गया, अब वो अच्छे से जो कैप से उस पर चिपक जाएगा, ठीक है, चिपकाने के लिए। तो ब्रश की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना पेंटिंग करने के लिए, तो पेंटिंग करने के लिए ब्रश कैसे, ठीक है, तो जैसे कि कॉटन फाइबर हो गया, जूट फाइबर हो गया, कॉकनेट फाइबर हो गया, ऐसे ऐसे फाइबर का यूज़ करके वो लोग जो सो ब्रश बनाया करते थे। तो ये थी, इतनी थी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अच्छे से रहिएगा घर पे, सेफ रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, कैसी लगी ये वीडियो।